सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंस। किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा किराए के मकान में रहने के लिए उसको जो अलाउंस दिया जाता है वो कहलाता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। अब इनकम टैक्स के पर्पज से अब ये देखेंगे कि इसका कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जम्प्ट होगा। तो अपने पास तीन फिगर दे रखी है। पहली है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी नियोक्ता द्वारा एम्प्लॉयर द्वारा उसके एम्प्लॉय को जो अमाउंट एचआर के अलाउंस के रूप में जो रिसीव्ड होगा वो यहाँ ले लेंगे अपन। इसके बाद वो लेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड यानी उस एम्प्लॉय के द्वारा जब वह किराए में मकान ले रखा है और कितना किराया दे रहा है, जितना किराया दे रखा है वो यहाँ ले लेंगे रेंट पेड। इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी जो किराया दे रहा है उसमें से सैलरी का 10% माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी है 40% और 50% ऑफ सैलरी, या तो 40% लेंगे सैलरी का या 50% लेंगे। 50% ओनली चार मेट्रो सिटी के अंदर यदि एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो आप 50% लेंगे और चार मेट्रो सिटी के अलावा 40% लेंगे। तो चार मेट्रो सिटी कौन कौन सी हो गई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और इसके अलावा जितनी भी सिटीज़ है, जितने प्लेसेज हैं, यदि कर्मचारी जॉब करता है तो सैलरी का 40% लेंगे। अब ये देखेंगे इन तीनों अमाउंट में जो भी कम होगा वो एचआरए एग्जम्प्ट होगा। ये देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो अलाउंस रिसीव होता है, फिर सेकंड नंबर पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो किराया चुका रहा है कर्मचारी उसका सैलरी का 10% घटा देंगे। और थर्ड है 40% चार सिटी को छोड़ के और 50% इन चार सिटीज में सैलरी का ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें तीनों में से जो भी फिगर कम होगी वो एग्जम्प्ट होगी। तो टैक्सेबल कितना होगा कि जो टैक्सेबल एचआर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट अपने पास निकल के आ जाएगा टैक्सेबल एचआर। अभी देखिए कि सैलरी मींस क्या है, कि सैलरी में किस किस को शामिल करेंगे। सैलरी में शामिल करेंगे तो बेसिक सैलरी प्लस डीए डायनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। अब ब्रैकेट में दे रखा है पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सेवा की शर्तों के अधीन दिया जाता है तो ही इस डीए को शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। या ये हो सकता है कि जो डीए दे रखा है इसका 70% पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन है तो इसका डीए का 70% लेंगे। और यदि ये दे रखा है कि इसका 40% ही सेवा शर्तों के अधीन लेंगे तो डीए 40% लेंगे। और क्या मानेंगे इसमें, कमीशन बेस्ड ऑन सेल, ऐसा कमीशन जो विक्रय से संबंधित है उसको सैलरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये भी हो सकता है, यदि कोई कर्मचारी अपने खुद के मकान में रह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी यदि अपने खुद के मकान में रह रहा है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। कैसे, यदि जैसे मान लो यदि खुद के मकान में रहेगा तो रेंट कितना चुकाएगा, जीरो। जीरो में से 10% से लेकर यहाँ जीरो, और सब में तीनों में से कम कौन सा हुआ, जीरो। इसका मतलब पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। या एक अपन यूँ कह सकते हैं, यदि कोई कर्मचारी यदि अपनी सैलरी के 10% से कम किराया चुकाता है तो उसका पूरा एचआरए टैक्सेबल हो गया। वो कैसे देखेंगे अपन, यदि 10% आपकी आप उन उसकी सैलरी के 10% से कम चुकाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो या माइनस में। तो इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम कितना होगा, जीरो, और पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि कोई कर्मचारी यदि किसी वर्ष में प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये से अधिक किराया चुका रहा है तो ये छूट प्राप्त करने के लिए उसे मकान मालिक का नाम और उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।